नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 संस्कृत या सामान्य ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2022 के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन एवं विस्तृत विज्ञप्ति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट टीचर लेवल फर्स्ट 2022 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। टीचर लेवल फर्स्ट TSP रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 27/6/2022। टीचर लेवल फर्स्ट नॉन TSP रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज फर्स्ट 27/6/2022। टीचर लेवल रिक्रूटमेंट ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट डेट 27/6/2022 एवं क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टीचर लेवल फर्स्ट फ्रॉम 1/7/2022 टू 20/7/2022 यानी 1/7/2022 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अंतिम तिथि 20/7/2022 निर्धारित की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर लेवल फर्स्ट TSP रिक्रूटमेंट के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। अध्यापक प्रथम लेवल संस्कृत सामान्य सीधी भर्ती 2022। आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2022। अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 संस्कृत सामान्य सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति। पदों के संदर्भ में यहाँ वर्गीकरण दिया गया है। अध्यापक लेवल प्रथम के विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार रहेगा। संस्कृत TSP क्षेत्र के लिए 40 पद हैं, सामान्य के 23 पद हैं। कुल 63 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। SSO पोर्टल के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि है 1/7/2022 से 20/7/2022 मध्य रात्रि तक। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार राजस्थान संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल प्रथम संस्कृत सामान्य के संबंधित पदों हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल प्रथम में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। अनारक्षित या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु यानी रिट में 60% अंक, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 55, समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50, निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 40, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 36 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। अब बात करेंगे हम आवेदन शुल्क के संदर्भ में। राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रिमिलेस श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹150। राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रिमिलेस श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹110। राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु ₹90।
राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्ग के निःशक्तजन एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, उन आवेदकों हेतु 90 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, SSO ID के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक एक अलग से हम वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। पदों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे हम न्यूनतम पात्रता के संदर्भ में। कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम सामान्य विषय के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड व क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED होना चाहिए आवेदन कर सकता है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल प्रथम में राज्य सरकार के आदेश अनुसार निर्धारित न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। संस्कृत विषय के लिए यहाँ पर जो योग्यता है दी गई है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा 45% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED होना चाहिए, तो आवेदन कर सकते हैं। शास्त्रीय तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, और इसी के साथ में जो रिट है उसमें न्यूनतम जो प्राप्त अंक है अर्जित किए हुए होना चाहिए, तो हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के नियम 15 के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार अध्यापक लेवल प्रथम संस्कृत सया सामान्य पद आवेदन नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष अनुन्य हो, यानी कम नहीं होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई है अपनी आयु के संबंध में हकदार था, उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिक आयु का नहीं हुआ हो, यानी 3 वर्ष की यहाँ पर जो छूट है दी गई है, 2018 के बाद नहीं होने के कारण राजस्थान संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में समस्त वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की जो छूट यहाँ दी गई है। इसके अलावा जो अन्य वर्ग हैं आरक्षित वर्ग, उन्हें भी यहाँ जो छूट का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के संदर्भ में हम बात करें तो राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण दे रहेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो छूट का प्रावधान यहाँ किया गया है, इसके संदर्भ में भी हम जानकारी यहाँ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूचियाँ दी गई हैं, कौन कौन से जो दस्तावेज हैं हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में देने होंगे। अधिक संपर्क के लिए हम यहाँ दूरभाष नंबर दिए गए हैं और कार्यालय नंबर दिए गए हैं, इन पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। पदों का जो वर्गीकरण है यहाँ दिया गया है। इसके संदर्भ में भी हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं। संस्कृत के 40 पद और सामान्य के 23 पद।
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो पदों का वर्गीकरण है यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम नॉन टीएसपी क्षेत्र के संदर्भ में। अध्यापक प्रथम लेवल संस्कृत सामान्य सीधी भर्ती 2022, अंतिम तिथि है 20/7/2022। अध्यापक लेवल प्रथम के विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार रहेगा। नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए संस्कृत के लिए 101, सामान्य 108, कुल 209 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रतिशत अंकों के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है, रिट में कितने परसेंट होने चाहिए। फीस के संदर्भ में, आवेदन शुल्क के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है, अवलोकन हम आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ में पात्रता के संदर्भ में जानकारी दी गई है, इनका अवलोकन हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे टीचर लेवल रिक्रूटमेंट ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विज्ञापन संख्या, अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1-5 संस्कृत या सामान्य ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2022, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20/7/2022। राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के भाग 4 में किए गए सीधी भर्ती के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1-5 संस्कृत सामान्य के 272 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के लिए अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1-7/2022 से दिनांक 20/7/2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट rajsanskrit.nic.in अथवा sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन, सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य है। रिक्तियों के विवरण के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अध्यापक, संस्कृत अध्यापक के लिए 101 पद हैं, जबकि अध्यापक सामान्य के लिए 108 पद हैं। टीएसपी क्षेत्र के लिए संस्कृत अध्यापक के 40 पद हैं और सामान्य के 23 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 272 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें टीचर लेवल फर्स्ट क्लास 1-5 संस्कृत या जनरल डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एजुकेशन अप्लाई नाउ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने SSO लॉगिन का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें अपने लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं, लॉगिन आपको SSO आईडी पासवर्ड फिल करने हैं, इसके पश्चात कैप्चा फिल करना होगा। जैसे हम SSO आईडी पासवर्ड एवं कैप्चा फिल करेंगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट अप्लाई नाउ दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें संस्कृत टीचर नॉन टीएसपी, संस्कृत टीचर टीएसपी एंड जनरल टीचर नॉन टीएसपी एंड जनरल टीचर टीएसपी के लिंक दिखाई देंगे, जिसके लिए हमें आवेदन करना है। चाहे आप संस्कृत के लिए आवेदन करें टीएसपी क्षेत्र के लिए या नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, इस तरह से जनरल के लिए आप आवेदन करें नॉन टीएसपी एंड टीएसपी क्षेत्र के लिए, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं, हमारे सामने जो हमारा जो SSO पोर्टल है ओपन हो जाएगा।
जहाँ पर हमें अपनी बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर फिल करने होंगे और इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करके फीस जमा करानी होगी एवं एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पश्चात हम व्यू एप्लीकेशन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया में हम भाग ले सकते हैं। अगर आपने OTR नहीं कराया है तो आप OTR पहले वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक करके और OTR करेंगे। इसके पश्चात आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। सभी एंट्रीज़ को भलीभांति अवलोकन करें और इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात लॉगआउट पर क्लिक अवश्य करें। लॉगआउट पर क्लिक करते हैं हम SSO पोर्टल से वापस लॉगआउट हो जाएंगे। इस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपका SSO अपडेट नहीं है तो आप इसको अपडेट करें। जनाधार अगर अपडेट नहीं है तो आप जनाधार को अपडेट करें, क्योंकि OTR में जितनी भी डिटेल्स ली जाती हैं वे जनाधार से ही ली जाएगी। अतः आवेदन करने से पूर्व OTR जरूर अवश्य करें, सभी एंट्रीज़ को कंप्लीट करें और इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSE विता चसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।